तो चीफ जस्टिस हर केस में सोमोटो नहीं लेते हैं। देखिए, बहुत बड़ा पुराना मुतालबा था बार्स का, जो टाइमिंग है जी और जो तरीक़ेकार है उस पर मुझे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। आज भी हुकूमत जो इस चीज़ पे खड़ी है कि जी चूँकि ये मुल्क एक पूरा मुल्क कच्चे का जैसे है पंजाब में, हाँ वो बन चुका है, यहाँ तो रहने के लिए बिल्कुल कोई मुनासिब किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, तो ना इलेक्शंस हो सकते हैं ना कुछ हो सकता है। प्रोग्राम कानून क्या कहता है के साथ मैं हूं फैसल कमाल पाशा और हमारे साथ मारूफ कानूनदान बैरिस्टर गौहर अली मौजूद हैं। हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट आई है आर्टिकल 184(3)(e) के हवाले से, इस पे इनकी क्या राय है कि ये अमेंडमेंट आनी चाहिए या इसकी ज़रूरत थी। मेरा ये ख्याल है ये हुकूमत ने जो स्टेप ली है बड़ी अर्जेंसी में ली है और बड़ा एक गलत डायरेक्शन में उन्होंने स्टेप ले ली है। सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत कम ऐसी पिटिशन्स होती है जो आर्टिकल 184 की आ जाती है, और 184 में ये अगर सोमोटो भी लेना होता है तो चीफ जस्टिस हर केस में सोमोटो नहीं लेते। अगर आप गुज़श्ता 5 साल देखें तो तकरीबन 10 केसेज में सोमोटो लिए कोर्ट्स ने, और उस पर सुप्रीम कोर्ट पर कदम नहीं होने चाहिए कि किस मामलात में रखें, ये चीफ जस्टिस की जवाबदेही दे, और उनको चाहिए कि जो पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर होते हैं वो उसी पर सोमोटो लेते रहते। अब एक बात ये कह रहे हैं कि जी 3 कमेटी बने, अब ये थ्रूआउट जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर रहा है, सुप्रीम कोर्ट आईन में ये लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स आप वज़ा करे, सुप्रीम कोर्ट की रूल्स के मुताबिक जो 56 में बने थे फिर 80 में बने हैं, और एवर सिंस ये लॉ चला रहा है वो चीफ जस्टिस ही की जवाबदेही है। ऐसे कानून बनाना कि चीफ जस्टिस के साथ कोई और मुश्तर करे, क्या प्राइम मिनिस्टर पर कैसे डिसीजन लेगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कैसे लेगा, हर इदारे का जो हेड होता है, ये पूरे दुनिया में, इंडिया में भी ऐसा है, ये बांग्लादेश और उसमें भी और सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका में भी ऐसा ही सर। लेकिन चीफ जस्टिस के इख्तियारात के हवाले से तो विद इन द कोर्ट बड़ी क्रिटिसिज्म आ रही है। जो अभी 2 जजेस का डिसीजन आया है, उन्होंने कहा है कि ये तो एक इंपीरियल कोर्ट बन जाएगी अगर इस तरह से चलता रहा तो। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है जज साहिबान को ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं आपको गरज करूँ ये शायद हमारी पूरे पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हम चाहे क्रिकेट में हो, चाहे हॉकी में हो, चाहे मस्जिद में हो, चाहे खुशी गमी भी हो, हम 2 बंदे जो है ना एग्री आपस में नहीं करते, हम टीम वर्क काम नहीं कर सकते। अदरवाइज़ इनसे सिर्फ ये पूछे कि जज साहिबान को क्या तकलीफ है अगर चीफ जस्टिस लेते हैं, वो आपके जज साहब है। अगर एक जज साहब सोमोटो ले लेते हैं और वो कहाँ खुद तो फैसला नहीं करते, वो कोर्ट में रख लेते, अगर आप समझते हैं कि आर्टिकल 184 के पैरामीटर्स नहीं मीट करता, आप डिसमिस कर ले। अब एक चीज जो नया गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवा रही कि कमेटी बने और कमेटी पहले फैसला करे, लेट्स सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस वक्त जो लॉ आया है वो सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू सोमोटो नहीं आया है, वो विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 184 आया है। वैसे आप लोगों के केसेस बड़े सारे मरतब आया, अगर जर्नलिस्ट का केस आ जाए और वो 184 की पिटीशन फाइल करके वेज बोर्ड पर हमें कोई इतराजात है इसका फैसला किया जाए तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, पहले जज साहबान चैंबर में जाके फैसला करे या जो लोग जिन्होंने एप्लीकेशन फाइल हुई है उनका भी सुना जाए और पहले वो फैसला करे। और आपको आईन की 2 बातें बताता हूँ। आईन में ये लिखा हुआ है कि एनी पर्सन जो भी सिटीजन है उसका राइट टू पिटीशन द कोर्ट, इसको अब्रिज नहीं कर सकते आप, ये उस पर कदम लगा रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की राइट टू पिटीशन द कोर्ट पे ये एक कदम लग रहा है कि फिर आपकी पिटीशन को नंबर नहीं होगा, एंटरटेन नहीं होगा जब तक 3 जज उसको पहले प्रिलिमिनरी हेयर के और वो भी आपके बगैर आपको सुने बगैर फैसला करेंगे कि क्या आपकी पिटीशन एंटरटेन होनी चाहिए कि नहीं। मैं समझता हूँ ये गैर आईनी लग रहा है मुझे। कामरान साहब, ये बताइए कि ये जो 184(3) में जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो भी बिल की शक्ल में भी आ गई है, इसमें आप क्या आप समझते हैं कि ये नेसेसरी है? देखिए, बहुत बड़ा पुराना मुतालबा था बार्स का जी, और वैसे भी नेसेसरी इसलिए है कि मेरा ख्याल है एक ही ऐसी फील्ड थी, एक ही ऐसी जो है ना वो लिटिगेशन थी जिसमें जो है ना वो राइट ऑफ अपील नहीं था। जी जी, ठीक है ना जी, राइट ऑफ अपील होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि बेंच फॉर्मेशन पे हमेशा एतराज़ होता है और जायज़ होता है नाजायज़ होता है, आप उसको दोनों तरफ से आप उसको वो कर लीजिए, मगर उसको ख़त्म करना चाहिए। और उसमें ख़त्म करने में ये कौन सी बुराई है कि एक की बजाय 3 लोग बैठ के उसको डिसाइड, उसकी टाइमिंग पे सर लोग एतराज़ कर रहे हैं कि सिर्फ एट दी मोस्ट टाइमिंग पे किया जा सकता है, मगर किसी भी वक्त पे हो जी, अच्छा काम हो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सही।
तो ये सर ये जो 3 members कमेटी जो जजेस की बनाई गई है ये क्या नया कॉन्सेप्ट है सर? बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, सीनियर मोस्ट 3 judges इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस। जी जी। और इसमें एक तो ये भी प्रपोजल था कि इसमें जो है ना वो कंप्यूटर के हवाले कर दें, मगर कंप्यूटर जो है फिर वो ये नहीं कर सकता कि एक्सपर्टीज किसकी हैं, मैं कौन सा केस अच्छा चला सकता हूँ कौन। ठीक है, तो वो 3 लोग बैठ के फैसला कर लें, सीनियर मोस्ट। जी जी। ठीक, तो मतलब आपके ख्याल में ये एक मुस्बत इकदाम है? मुस्बत है और इसका फ़ायदा होगा इंशाल्लाह, तनकीद सुप्रीम कोर्ट पर कम होगी, इस पर एतमाद बढ़ेगा। दूसरी इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी की हैं, अर्ली हेयरिंग का मामला जो है ना, अर्ली हेयरिंग हमारे 2-2 साल केस नहीं लगते हैं, अर्ली हेयरिंग देते रहते हैं, उस दौरान कब्जे चले जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, बंदे मर जाते हैं, तो वो अर्ली हेयरिंग विद इन 14 डेज की है। ये राइट ऑफ अपील दिया है, ये फॉर्मेशन, ये इसकी जो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस पे जो है ना उसको वो किया है, तो जो कुछ भी हुआ है मेरा ख्याल अच्छा हुआ है, ये बुरा नहीं हुआ। भले जो है ना इतराज़ करने वाले कहते रहे कि जी ये वक्त नहीं था, वक्त मेरा ख्याल है यही था, गवर्नमेंट भी जो है ना वो जजों के हाथों फंसी हुई अगर समझ लें तो उसने भी जो है ना वो अच्छा काम किया जो हम 10-20 सालों से कह रहे थे। जी देखें, उसके मेरिट्स की तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें कुछ ख़राब चीज़ें जी, लेकिन जो टाइमिंग है जी और जो तरीक़ेकार है उस पर मुझे ज़्यादा ऑब्जेक्शन है। टाइमिंग पे इसलिए क्योंकि केस चल रहा है और उसके दौरान ये एक तरह से शुरू कर दिया एकदम अर्जेंसी के साथ, उसको कल ही कैबिनेट ने किया, कल ही नेशनल असम्बली में आ गया, आज नेशनल असम्बली से भी निकल गया। और दूसरा जो मैनर है, मैनर इसलिए कहता हूँ मैं कि ये है सुप्रीम कोर्ट के दायरे अख्तियार में तरमीम। जी जी। ये तरमीम सिर्फ आइनी तरमीम हो सकती है, ये कोई आम कानून के ज़रिए नहीं, तो ये तरीक़ेकार अपनाया है आम कानून के ज़रिए करने का, इस पर भी मुझे ऑब्जेक्शन है। सर ये जो 3 जजेस सीनियर मोस्ट जजेस की जो कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो ये मतलब इससे पहले तो इसकी मिसाल नहीं है जी? नहीं है, लेकिन ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप डिबेट कर सकते हैं मेरिट्स पे। मैं तो अभी मेरिट्स पे आने से पहले कह रहा हूँ कि ये टाइमिंग और तरीक़ेकार ही गलत है। मतलब आप इंटेंट के ऊपर अभी बात कर रहे हैं कि इंटेंट जो है वो सही नहीं है और तरीक़ेकार ये तो आइनी तरमीम होनी चाहिए और सिर्फ आइनी तरमीम के जरिए ये बन सकता है। अगर ये कानून बनाएंगे तो कलदम करार दे दिया जाएगा। तो हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन जो है वो उनका भी इसमें इनपुट ली जानी चाहिए? नहीं देखें, वो ज़रूरी नहीं है, ये आप जो पार्लियामेंट ने फैसला करना होता है, लेकिन पार्लियामेंट आइनी तरमीम के लिए आपको बेसिकली नेशनल असम्बली चाहिए, सेनेट चाहिए, प्रोविंशियल असम्बलीज चाहिए, सबकी कंसेंसस चाहिए। जी जी। तो वो जब बिल्ड हो जाए तो फिर आप बेशक तरमीम करें। देखिए ये प्रपोज्ड अमेंडमेंट जो कि आप बिल की एक शक्ल अख्तियार कर चुकी है, नेशनल असम्बली से गालबन पास हो चुका है। जी जी। तो इसमें बेसिकली जो आइडिया है, ये आइडिया तो कोई बुरा आइडिया नहीं है कि अगर 1843 में किसी को कोई डिसीजन आता है तो एक अपेलेट, क्योंकि अपील का हक तो दुनिया में हर जगह है कि आप अपील कर सकते हैं, लेकिन अब इस अमेंडमेंट के लिए क्योंकि 184 सब क्लॉज 3 इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, सुप्रीम कोर्ट अपना अख्तियार इस्तेमाल करती है आइनी शिक के तहत, 185 में वो अपेलेट ज्यूरिस्डिक्शन है जहाँ पे वो अपील सुन सकती है। जी जी। तो उस 185 में क्लियरली बताया है कि हाई कोर्ट के फैसलों के ख़िलाफ़ आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। तो इसको अगर लाना है तो इसके लिए जब तक आईन पाकिस्तान में अमेंडमेंट नहीं होगी 1843 में या 185 में, उस वक़्त तक मैं समझता हूँ कि ये जो रूल्स एंड प्रोसीजर को ये सहारा ले रहे हैं और उस एक्ट का नाम लिखा है उसके तहत नहीं हो सकती। और रूल्स और प्रोसीजर में तो आर्टिकल 195 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये इख्तियार दिया है कि वो अपने रूल्स और रेगुलेशन बना सकते हैं। और नंबर 3, ये अगर कोई एक्ट बनाएंगे तो वो एक्ट जोन सा है, बड़ा क्या होता है, आइन बड़ा होता है, तो वो अगर आइन से मुतसादिम हुआ तो ये 1 या 2 रोज़ भी नहीं चल पाएगा, सुप्रीम कोर्ट इसे स्ट्राइक डाउन कर दे। मतलब यही मैं कहना चाह रहा था कि आप ये समझते हैं कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ तो ये स्ट्राइक डाउन हो जाएगा? बिल्कुल, ये क्योंकि पार्लियामेंट के ज़रिए, हाँ पार्लियामेंट अगर मुकम्मल हो तो 2/3 majority से आइन पे तरमीम लाएँ और शब खून ना मारें कि चंद घंटों में आपका तरावी का टाइम है, अफ्तारी का टाइम है, आप आते हैं और इतनी बड़ी एक अमेंडमेंट करने की कोशिश करती है जो कि जाहिर करती है कि ये एक मैलाफाइडिस है, बदनीयती है, और बदनीयती की वजह यही है
कि ये मुल्क में इलेक्शंस ना हों, ये तमाम का तमाम जो काम हो रहा है ये इसी से। सर, ये जो तीन मेंबर्स की कमेटी बनाई गई है डिसाइड करने के लिए, इस पे आप क्या कहते हैं? सर, कमेटीज नहीं डिसाइड करती, ये तो एक प्रोसीजरल चीज़ें हैं। डिसाइड करता है पार्लियामेंट, जहाँ पे बहस होती है। इसमें तो मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट की चूँकि दायरा इख्तियार की बात है, तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनपुट लेनी चाहिए थी कि जनाब आपके रूल्स हैं, आपके प्रोसीजर है, आईन ने आपको इख्तियार दिए हुए अपने रूल्स और प्रोसीजर जी, उसमें हम अमेंडमेंट करना चाहते हैं और उस अमेंडमेंट में लाजमी तौर पे सुप्रीम कोर्ट से इनपुट लेके बहस हो और उसके बाद और। लेकिन हम सबको नज़र आ रहा है कि इसकी टाइमिंग को देखें, पर्पज़ क्या है। पर्पज़ एक ही है पीडीएम का, हुकूमत का, कि जो इलेक्शंस ना हो, यही वजह है कि पहले एक पिटीशन आई, फिर दूसरी आई और आज भी हुकूमत जो इस चीज़ पे खड़ी है कि जी चूँकि ये मुल्क एक पूरा मुल्क कच्चे का जैसे है पंजाब में, वो बन चुका है, यहाँ तो रहने के लिए बिल्कुल कोई मुनासिब किस्म की सिक्योरिटी नहीं है, तो ना इलेक्शंस हो सकते हैं ना कुछ हो सकता है, हमें रहने दीजिए, हम ठीक कर देंगे। और 8 माह बाद मुमकिन तौर पर आज जैसे इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये टेंटेटिव है, तो फिर बढ़ जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए। तीनों साथ आपने कानून क्या कहता है प्रोग्राम के अंदर कानूनी माहिरीन की राय सुनी, जो गवर्नमेंट एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट लेके आ रही है आर्टिकल 184(3), बड़ा अहम एक आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट के सू मोटो इख्तियार के हवाले से। कुछ जो वकला हैं वो इसके हक में हैं और कुछ जो हैं वो इसके इंटेंट और इसकी टाइमिंग के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस वक्त ये अमेंडमेंट लाई गई है वो वक्त गालिबन मुनासिब नहीं था। अब तक के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में इंशाल्लाह फिर आप से किसी नए मौजू किसी नए कानूनी नुक्ते के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे।